अरे देखने से पहले डिस्क्लेमर भी देख लो क्योंकि बाद में मेरे को मत बोलना क्योंकि गाली भी। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं इवनिंग राइड पे, तो और आज हमको अपना एक प्रोडक्ट का भी प्रमोशन करना है जो कि ये ले, आप देख सकते हैं, मतलब मेटल पुलिस है, रेड बुल डॉग्स मेटल पुलिस है कुछ आपका, मतलब यहाँ पर जो है ना, मतलब यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ इस एरिया से जो मेटल का लगा है वहाँ पर क्लीन करने के लिए सही है सर। अभी रोशन भी आ रहा है और आज उसका गाड़ी का शायद आखिरी डे है, मतलब आज उसका गाड़ी का लास्ट टाइम है क्योंकि इसके बाद वो बेचने वाला है। तो अभी रोशन आया हुआ है गीता पेट्रोल पंप जगह, तो हम लोग चलिए चलते हैं उसका ड्यूक के साथ कुछ वीडियो वीडियो शूट कर लेते हैं, वीडियो प्लस मेरा बाइक का भी बहुत दिन से रील शूट्स नहीं किए, तो आपको एक बार मेरा गाड़ी दिखा लेते हैं कैसे लग रहा है। इसको वीडियो तो बनाना है लेकिन बाद में बनाएंगे, मतलब आज ही बनाएंगे करके उधर पहुँच के। सो गाइस आप भी मेरा बाइक देख लीजिए, आज तो मस्त लग रहा है, क्या सेक्सी, समझ रहे हो ना, बाइक तो अलग ही लेवल में मज़ा आता है, इसको देखते रहने मन करता है कभी कभी, देख रहे हो ना। तो चलिए अभी रोशन उधर वेट कर रहा है और उसका भी आज आखिरी है ना उसका बाइक, उसके बाद तो चल जाएगा, तो देखते हैं उसका, मतलब लगाव तो भाई सबको रहता है अपना बाइक से, लेकिन कुछ मजबूरी के कारण उसको बेचना पड़ रहा है। तो चलिए चलते हैं अब रेडियो के तुरंत में। सो गाइस अभी हम अपना उबड़ खाबड़ रोड से निकल चुके हैं, तो अभी रोशन वेट कर रहा है ट्रांसफार्मर जगह, वहाँ आगे मेरा गली जो है ना आगे वहीं बगल में, तो चलिए जल्दी चलते हैं। अरे यार फ्यूल अप भी कराना पड़ेगा इसका, फ्यूल बड़ी लो है आज तो, मतलब हमेशा ही तो लो रहता है, तो क्या ही बोल सकते इसके बारे में, मतलब रोशन वहाँ पर इंतज़ार कर करके पूरे आ रहा है। सो गाइस रोशन तो इधर है, सो रोशन तो कैसे है, ठीक ना, तो आज इसका आज तेरा बाइक के साथ आखिरी टाइम है क्या, और कुछ दिन बाद चल जाएगा, अरे चल तेल भरा लेते हैं ना, चल तेल भरा के आते हैं। हाँ किधर, पूरा खतरनाक मॉडिफाई कर दिया इसका हंटर का, सही लग रहा है, मस्त लग रहा है। तो गाइज अभी आप देख सकते हैं हंटर को भी हैवी मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है मिलते हैं। सो गाइज आप हंटर देख लेना, आदमी लोग हंटर को इतना सेक्सी बना देता है ना आजकल, क्या बोले पावर ही डला लेता है, इतना भीड़ है, 200 का डाल दीजिए, चलो। और थोड़ा कुछ दिन बाद इसका गाड़ी जाने वाला है ना, तो वही आज बोला चलते हैं कहीं सूट उट करके आते हैं, बोला तो ही चल रहा है हम लोग। सो गाइस चलिए अब तेजी में चलते हैं थोड़ा, सो गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं क्या बोलते हैं इसको दामादरी वाला रोड में, उतना जीप पानी आगे तक तो नहीं पहुंचेंगे, उससे पहले हम लोग कहीं रुक जाएंगे, अच्छा अच्छा कुछ क्लिप बना लेते हैं उसका यादगार के लिए। भाई आज तो पूरा नॉर्मल ड्रेस में आया हुआ है, भाई बहुत दिन बाद हम अपना गाड़ी निकाले हैं, कुछ दिन से तो थोड़ा हम समझ रहे हो ना, हम लोग इधर मेला कुछ चल रहा था इधर लोकल में, तो अरे भाई हेवी एक्सीडेंट हो गया, अरे बहन अरे भाई लगा घुमाता भी नहीं है, टर्नर गाड़ी घुमा रहा देख रहा है, इंडिकेटर भी तो देना चाहिए ना, ए साला हेवी सीन हो गया, ए साला तो बड़ी दिक्कत हो गया भाई, ये तो अब चलेगा नहीं इसको तो ऐसे, चलो क्या गाड़ी लेके जाते कि थोड़ा देर बाद आते हैं क्या, बाद में गाड़ी चाबी ले लो, चाबी ले लो, अरे ऐसा अचानक घुमाएगा बताइए, एक गाड़ी उठवा गया था अचानक से घुमा दिया था, तुम लोग जवान हो गए ऐसे अवेयर रहना ना, तुम लोग को इतना स्पीड गाड़ी चला रहे, ये देख रहे हो कितना बिजी रोड है, बिजी रोड खाली रोड है, गाड़ी मतलब तुम लोग लेकर के रेसिंग करने लग जाते हो, रेसिंग नहीं कर रहे थे इन पाए थे वो जो वोलेंट है कि ना। सो गाइज हेवी सीन हो गया यहाँ तो, भाई हम तो अपना मस्त में वीडियो बनाने के लिए जा रहे थे तो ऐसे सीन हो गया, भाई बहुत दूर तक पे काया भाई,
क्या अबे खराब नसीब है। अरे वो आदमी टू तो इंडिकेटर सही समय पे दिया नहीं, लेकिन रोशन भी तो देखा ही नहीं। जिसका एक्सीडेंट हुआ कहाँ गया वो? जिसका एक्सीडेंट हुआ कहाँ गया? हाँ लेके गया उसको कौन? इसको लेके गया अभी खोजना पड़ेगा उसको। हाँ गया भाई रोशन। सो गाइस उसके बाद तो अपना कैमरा बंद कर दिए थे क्योंकि उसके बाद हमको रोशन को हॉस्पिटल पहुँचाना था, जो कि और जन था वहाँ का दोस्त वही उसके साथ जा रहा था। फिर हमने उसको हॉस्पिटल पहुँचाया, मम्मी पिताजी ने आया, उसका मेडिकल वेडिकल सब हुआ। उसके बाद वो अपना घर चल गया, घर गाड़ी तो वहीं छोड़ दिए थे हमने। दो दिन हो गया उसके बाद हम वीडियो बना रहे हैं कि हम थोड़ा ज्ञान तो नहीं देते, लेकिन सोचे दे देते हैं भाई, इस वक्त थोड़ा ज़रूरी हमको भी लगा ना। थोड़ा सो स्पीड में थे लेकिन वहाँ पर गलती ध्यान रखना, बूढ़ा आदमी हमेशा आया जाता है हमेशा। और ऐसा भी नहीं है कि ये क्या बोलते हैं NH 75 है, मतलब ऐसे भी नहीं कि नॉर्मल रोड है, वो वाला हाईवे है भाई। ऐसा भी नहीं है कि वो नॉर्मल रोड है, वो हाईवे है भाई यहाँ का। तो उसमें तो भाई कम से कम 70-80 का तो कोई चलाएगा ही नहीं बंदा, मतलब फिर भी गलती तो है, हम लोग कभी मान रहे भाई। ये मत बोलना कि भाई खुद उसी बुढ़ा आदमी कोई दोस्त है, लेकिन भाई एक है ना क्या बोलो, वो भी मतलब डायरेक्ट कैसे घुस गया। अगर इसके जगह कोई अगर 40-50 के सीढ़ी में जाता ना, तब भी ठोका जाता, क्योंकि ऐसे घुसते ही जा रहा था। ऐसे सीन हो गया, अचानक से घुस गया, वो भी इंडिकेटर भी नहीं था ना, ऑरेंज मारा तो ऐसे अचानक से घुस गया। उसको रोशन को पता नहीं चला कि कब कब घुस गया, तो ये दिक्कत हो गई। लेकिन अभी सब तो ठीक है, बस गाड़ी टू लोग अभी तक नहीं दिया है, लोग थोड़ा अपना कब्जा में लिया, तो गाड़ी कब देगा पता नहीं, तो रोशन कुछ लीगल एक्शन लेंगे बोल रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है आगे। और बाकी तो रोशन ठीक है, उतना चोट नहीं लगा। और जो बुजुर्ग आदमी था उसको भी उतना तो लगा नहीं भाई, थोड़ा सा ही लगा बस हल्का फुल्का में, तो वही है गाइस। और कभी भी हम एक ही चीज़ बोलना चाहते हैं, मतलब कि कहीं भी निकलोगे हेलमेट पहने रहो। आज जो रोशन है ना, मतलब रोशन का अगर हेलमेट नहीं होता तो शायद आज कुछ अलग सीन हो जाता। आप देखें ना कैसे, मतलब वो फेंकाया करना स्पीड में ऐसे करके, अगर हेलमेट नहीं होता तो शायद आज कुछ अलग ही सीन हो जाता। तो हेलमेट बहुत ज़रूरी है करोगे, और ख़ासकर ऐसा पावरफुल बाइक अगर रखोगे ड्यूक 390 से, तो फिर थोड़ा संभल के चलाने में सही है। और बाकी तो इतना ही ज्ञान देंगे, कितना ज्ञान देंगे, क्योंकि अपना काम ज्ञान देने का ही नहीं, बकचोदी करने का, समझ लो। अभी का आज का ब्लॉग तो यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सबको बाय बाय।